नमस्ते सबको, आज मैं बनाने वाली हूँ एक पिज्जा। पहले हमारे सामग्री देखते हैं। मैदा, दही, तेल, चीनी, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। आइए हम हमारा डो बनाते हैं। एक और आधा कटोरी मैदा, दो चम्मच दही, एक चम्मच तेल, थोड़ी सी चीनी, वन टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा। इन सबको अच्छे से मिला लीजिए। आप थोड़ी सी दही भी डाल सकते हैं या पानी भी। मैंने और दही डाली है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम हमारे टॉपिंग्स तैयार करेंगे, लेकिन उससे पहले हम माइक्रोवेव को प्रीहीट करने रख देंगे। आइए हम हमारे टॉपिंग्स देखते हैं। ये है टमाटर, कॉर्न, ऑलिव, शिमला मिर्च और गाजर। आप सब्जी को काट भी सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे बच्चों को कटी हुई सब्जियां ना पसंद आए तो आप ग्रेट भी कर सकते हैं। मैंने शिमला मिर्च और गाजर ग्रेट कर लिया है। थोड़ा बड़ा ग्रेट हो इसलिए आप ऐसा बड़ा ग्रेटर लीजिएगा। मिनट हो गए हैं। अब हम बेस के लिए पुड़िया बेलेंगे। हम इसे दो हिस्सों में कर लेंगे। दोनों पूड़ी हो गई है हमारी। अब हम इसे थोड़ा चीज स्प्रेड करेंगे। ये सारे जो एजेस हैं, फोक से हम इसे जॉइन कर देंगे। सारे एजेस को एक साथ कर लिए हैं। अब हम इसमें पिज्जा सॉस स्प्रेड करेंगे। टमाटर, थोड़े से टमाटर डालेंगे। ऑलिव,
गाजर, शिमला मिर्च। बच्चों को चीज बहुत पसंद है, इसलिए हम थोड़ी और चीज डालेंगे। आपके टॉपिंग हो गए हैं, अब हम इसे माइक्रोवेव में बेक करने रखेंगे। माइक्रोवेव की सेटिंग्स है लो रैक पर 200 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 टू 20 मिनट्स। अब हम ग्रिल करेंगे हाई रैक पे फॉर 2 मिनट्स। मेरा पिज्जा तैयार है। ये बहुत स्वादिष्ट है। इस पे ऑरिगेनो डालिए, फिर ये खाने के लिए तैयार। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।